ड्यू डेट के बहुत काफ़ी पहले आपको वो दे दूंगी, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है ये सिस्टम बढ़िया चलेगा, और अगर इस सिस्टम में किसी को कुछ भी इशू आता है, नया मसला कोई उभर के आता है, तो मेरे ऑफिस के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं, रफ़ी साहब के ऑफिस के दरवाज़े आपके हमेशा खुले हैं, और मंसूर जो है वो आपके बीच ही रहते हैं, तो ज़रूर आके अपनी दिक्कत उन्हें बताइएगा। जो दूसरा मसला मुझे समझ में आया वो ये था कि ये बड़े दिन से यहाँ पे चाह रहे हैं कि कालारूस थाना बन जाए, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ सरकुली में हम नई चौकी एक बना रहे हैं, तो जो सरकुली के जो हमारे आवाम हैं उनको इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए एक चौकी बन रही है, और हम लोग कालारूस को थाना बनाने के हिसाब से भी ऊपर PHQ में बात कर रहे हैं, तो वो भी जो आपका मसला है वो भी जल्दी ही वो सबको पता था, मुझे जाने से पहले मनाज साहब ने भी बताया था, तो वो भी हमने अपने जहन में रखा है। उसके अलावा मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाले इलेक्शन है ना, अभी एक दो महीने में इलेक्शन होंगे, जिसमें आप लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनेंगे, तो वो जो है वो बड़ा अच्छा मौका भी है और बड़ा अहम समय भी है, तो उसको चलते हुए मैं आप लोगों को कुछ हिदायत भी देना चाहता हूँ। जो आप लोग जो यहाँ की आवाम है वो हमेशा से इलेक्शन में बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत टर्नआउट है यहाँ से, तो ये कालारूस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी शान है कुपवाड़ा की, कि इतने सारे लोग सामने आते हैं, तो हम लोग इस बार भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल अमन चैन से और अच्छे से आप लोग सब आएंगे और सब लोग अपना वोट डालेंगे और इलेक्शन अमन चैन से होंगे, तो ये मेरी आपसे उम्मीद है और मेरी आपसे हिदायत है कि आप लोगों को उस समय अगर कोई भी आके आपको कुछ परेशान करता है या कोई इस तरह की बात करता है कि वोट डालने नहीं निकलना है, तो वो भी नहीं करेंगे, आप मुझे आके बताएंगे, तो ये जो है ये मेरी आपसे उम्मीद है, और ये पूरी मेरी नहीं, ये पूरे JNK की उम्मीद है कि यहाँ के लोग सब आके अपना वोट डालेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, है ना। तो ये मेरी तरफ से जो एक हिदायत थी। इसके अलावा मुझे बताया गया कि यहाँ ड्रग्स का प्रॉब्लम है, तो मुझे जब मैंने यहाँ आया उससे पहले मैंने यहाँ के रिकॉर्ड देखे, तो मुझे ये पता चला कि पिछले साल यहाँ 4 ड्रग्स के पर्चे लगे हैं, वो चारों पर्चे जो है कोर्ट में हमने दाखिल किए हैं, और उसमें अब जितने लोग पकड़े गए हैं उनको सबको सज़ा होगी। उसके अलावा यहाँ के जो 8 लड़के थे जो ड्रग्स की तस्करी करते थे, वो लड़कों के अगेंस्ट भी हमने एक्शन लिया है। इसके लिए जो मुबारक का हकदार है वो आप लोग हैं, क्योंकि आपने आके हमें सामने बताया कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके चलते यहाँ पे इतना एक्शन लिया। आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप हमें आके बताएंगे अगर कोई इस तरह का किस्सा होता है, कोई हमारी नस्ल को ड्रग्स देने की कोशिश करता है, तो आप आगे आके बेझिझक बताइए। आपका नाम आपका पता हम लोग नहीं पूछेंगे, हम लोग उस पर सिर्फ कार्रवाई करेंगे, तो आप बिना डरे सामने आइएगा। और इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये है जो BDC साहब आपको बता रहे थे, उसमें मैं आगे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई है जो ड्रग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको जेल नहीं भेजना है हम लोगों को, उसको हम बारामूला में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ पे ये ड्रग्स की जो आदत लग जाती है बुरी आदत, इससे छुटकारा दिलवाते हैं। तो हमारे जो CMO साहब हैं जो यहाँ मेडिकल देखते हैं, उनकी चिट्ठी पे हम वहाँ उनको दाखिल कराते हैं, वहाँ पे कोई खर्चा नहीं लिया जाता है, वहाँ दाखिल करके दवाई देते हैं, और जिन लड़कों को बच्चों को ये ड्रग्स की बुरी आदत लगी है उनकी आदत छुड़वाने में हम लोग उनकी मदद करते हैं। मेरे पास जिस दिन मैं आया उसी दिन एक माँ आई, बहुत परेशान थी, वो कह रही थी कि मेरा जो बच्चा है वो ड्रग्स करता है और हम लोग बहुत परेशान हैं, आप उसको जेल में बंद कर दो, इतना परेशान है वो। तो मैंने उनको यही समझाया कि ये जेल में नहीं बंद करेंगे हम लोग, इनको अस्पताल भेजेंगे, वहाँ पे उनको दाखिल कराएंगे, वहाँ उनकी दवा दी जाएगी, उनको उनका इलाज किया जाएगा और वो ठीक होके वापस आएंगे
और आपको आपके लिए खुशियाँ रहेंगे, साथ परिवार के साथ एक साथ रहेंगे, फैमिली के साथ अपनी। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा जना है जिसको मदद की ज़रूरत है तो आप मंसूर साहब को बताइए, मुझे बताइए या रफ़ी साहब को बताइए, लेकिन हम लोग उनकी मदद करेंगे। ये एक पहलू है जो बताता नहीं है कोई, ये पहलू भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे बाहर निकलेंगे लोग। अपनी ज़िंदगियों में गलतियां करते हैं तो गलती सुधारने का भी एक मौका हमें देना है, तो ये मौका वो मौका है जिससे हम उनको सुधार के सही राह पे चलने की हिदायत दे सकते हैं, चलने के लायक बना सकते हैं, काबिल बना सकते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ये चीज़। फिर जो एक और इशू भी मैंने सुना वो है कुत्तों को लेके, बड़े सारे कुत्ते हैं। वो मैंने देखे यहाँ बड़े सारे कुत्ते हैं, मैं कुपवाड़ा आया तो मैंने देखा कि सभी जगह बड़े सारे कुत्ते हैं, तो उसका कुछ सोचना पड़ेगा कैसे करना है कुत्तों का इलाज। तो मैं बात करूँगा जो जो डिपार्टमेंट है, जो टीसी मैडम देखती है, उनसे बात करेंगे और कुत्तों का कुछ कुछ निकालेंगे, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे मिल के। लेकिन वो मैंने भी देखा बड़े सारे कुत्ते हैं यहाँ पे सड़क पे, बहुत कुत्ते घूमते हैं, तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और एक बात थी जो एक और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस अफसर साहब हैं उन्होंने बताई थी, एक सरपंच साहब ने, कि गाड़ियाँ नहीं है यहाँ चौकी में, तो उसका भी हमने आते ही एक प्रोसीजर शुरू किया है कि जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं पुलिस की उनको बदल के नई गाड़ियाँ मंगाएंगे। उसकी उसके लिए हमने पुलिस हेडक्वार्टर से बात करनी शुरू कर दी है। तो देखिए उम्मीद है कि जल्दी कुछ नई गाड़ियाँ आएंगी, तो काला रूस को ज़रूर हम लोग गाड़ी प्रोवाइड करेंगे नहीं। और वो